आज मैं ऐसा नाश्ता बना रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया है पोहा और उसमें डाल देना है बस बेसन। और आज की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि सब्जियों से भरपूर है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। प्रणाम, मैं हूँ सविता और सविता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लेना है सबसे पहले 1 कप भर के पोहा। कोई सा भी पोहा ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। और इस पोहे को डालना है आपको एक छलनी में। इस छलनी में डाल के क्या करना है आपको, इसको अच्छे से छान लीजिए क्योंकि इसमें जो गंदगी होगी ना वो सारी छन जाएगी। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं आज इसको धुलने वाली नहीं या फिर भिगोने वाली नहीं। आज मैं सूखे ही पोहे से आपको बहुत अच्छा नाश्ता बताने वाली हूँ। और ये देखिए पोहा छनकर रेडी हो गया, इसमें से कितनी गंदगी निकली है और इसको हटा देना है। और पोहे को इसी बोल में हमने ट्रांसफर कर लेना है यानी कि डाल देना है। अब यहाँ पर आपको लेना है 2 चम्मच बेसन जो कि हाई प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। और इसके साथ ही इसमें डाल देना है पानी। और पानी इसमें कितना डालना है ये चीज़ आपको ध्यान से देखती रहनी है। एक साथ ही इसमें सारा पानी नहीं डाल देना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको यहाँ पर दिखा ही रही हूँ किस तरीके से बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। और इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक चलाते रहिएगा जिससे ये थोड़ा सा फूलने के साथ साथ डाइजेस्टिव भी हो जाए। आप क्या करना, जो पोहा लिया था ना उसमें ही बेसन डाल देना है। आपने ध्यान दिया होगा पोहे को मैंने बिल्कुल भी भिगोया नहीं है, सूखा ही पोहा है। इसी तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा। और अब इसको साइड से रख देते हैं 10 मिनट फूलने के लिए। 10 मिनट बाद देखते हैं ये पोहा कितना फूल चुका है, कितना पानी पोहे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ पर लिए मैंने 5 आलू मीडियम साइज़ के जो कि मैंने पहले से उबाल के रखे हुए हैं। और इन आलूओं को छील लेना है। और ये सारे आलू छिल गए हैं। और अब पोहा देख लेते हैं इसने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी कंडीशन क्या है। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खिला खिला सा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए यानी चिपचिपा नहीं हो रहा है ज़्यादा, बस इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी रहनी है। ज़्यादा गीला पोहा हमको नहीं चाहिए क्योंकि आलू में भी थोड़ा सा पानी होता है। अब इन सारे आलुओं को डाल देना है इस पोहे। और आलूओं को मैश करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक, आप इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसको हेल्दी बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी सब्जी। ये मैंने बीन्स ली है, ये मैंने बहुत बारीक बारीक काटी हैं, आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी काटी हुई है मैंने, इसी तरीके से काटना है आपको भी। और ये मैंने 1 गाजर ली है, इसको भी इसी तरीके से छोटा छोटा काट लेना है। और ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी काट लेना है। और ये मैंने करौंदे लिए हैं, अगर आपके पास करौंदे नहीं तो आप आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच घिसा हुआ अदरक और थोड़ी सी धनिया की पत्ती जिसको छोटा छोटा काट लेना है। आपके पास जो भी सब्जी है वो सब्जी आप इसमें डालकर बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं और थोड़े से फ्रोजन कॉर्न के दाने। इन दोनों को डाल देना है आपने एक बोल में। और इसमें डाल देना है आपको गरम पानी। इस गरम पानी से क्या होगा, इसमें जो प्रिजर्वेटिव लगा होता है वो रिमूव हो जाए। और 4 से 5 मिनट बाद इसको पानी से अलग करना है यानी कि छान लेना है। और अब इसके बाद डाल देना है इसको टिश्यू पेपर के ऊपर, इसका पानी सारा पोंछ लेना है। टिश्यू पेपर नहीं है आप किसी कपड़े में डालकर इसको पोंछ सकते हैं, इसका पानी पोंछना है बस। और इनका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल गया है। और इनको चलते हैं एक थाली में डालने के लिए। और ये मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर लिए हैं।
इसको कुचलने के लिए, इसको फोड़ने के लिए मैंने लिया है सिलबट्टा का बट्टा ले लिया है। इसको मैं इस तरीके से हल्के हल्के फोड़ दूंगी या फिर कुचल दूंगी। और ये देखिए सारे कुचल गए हैं और इसको इसी बैटर में मिला लेना है। और अब चलते हैं रोज़मर्रा के मसालों की तरफ। यहाँ पर लिया मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी एक चौथाई चम्मच, और आधा चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अभी इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और स्पेशली नमक। नमक क्या करेगा, इन सारी सब्जियों का पानी छोड़ेगा, यानी कि सब्जियां सारी अपना पानी रिलीज करेंगी। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे पोहा और भी सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए आप, एकदम सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो गया है। और अब आपको लेना है थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगाने के लिए, जिससे ये हाथ में चिपके ना। अब इस डो का लेना है यहाँ पर छोटा सा पेड़ा, रोटी की लोई के बराबर, और इसको बना लेना है गोल गोल, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। और इसको बिल्कुल गोल गोल कर लीजिए। और ये गोल गोल अच्छे सिक नहीं पाएगी, इसलिए थोड़ा सा इसको चपटा कर लेंगे हम। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चपटा किया हुआ है दोनों हथेलियों के बीच में। और इसको बिल्कुल राउंड शेप देने के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी मैं आगे बताऊंगी आपको कि आपको बिल्कुल राउंड शेप कैसे ला सकते हैं। और ये हमारी एक टिक्की बनकर रेडी हो गई है। इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। और बता देती हूँ मैं आपको दूसरा तरीका क्या है। इस तरीके से आप चकले पर इस तरीके से रोल करते रहिए, इससे आपकी टिक्की बिल्कुल गोल हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक्की बिल्कुल गोल हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ इनको सुंदर कलर देने के लिए। अब मैंने पैन में डाला है कुकिंग ऑयल। आप सरसों का तेल मत डालिए, आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब डाल देनी है इसमें टिक्की। टिक्की को सेकने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और जब आप इसको सेक रहे हैं तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, गैस को कम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये सारा ऑयल पी जाएंगी, यानी ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर जाएगी। तो इसी तरीके से इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है। और इसको पलटने के लिए मैं यहाँ पर चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच से ही बहुत आसानी से पलट रहे हैं। और आपको जिससे सुविधा लगे आप उससे पलट सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप इसमें कितना सुंदर कलर आया है। और ये देखिए एक तरफ से सिक गई हैं, अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। और ये हमारी सिककर रेडी हो गई है। और इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगती है खाने।